नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से दोस्तों ओम नमः शिवाय। कुंभ राशि वालों हो जाओ तैयार, क्योंकि अब भगवान सूर्य देव के आशीर्वाद से 18 साल बाद इतिहास दोहराएगा। 18 दिनों तक जो चाहिए वह सब पाओगे। 10 मार्च से 20 मार्च यानी कि मार्च माह की इन 11 दिनों के अंदर सूरज की तरह चमकेगा आपका भाग्य। जी हाँ दोस्तों, इन 11 दिनों के अंदर 5 शुभ समाचार और सरप्राइज है आपको मिलने वाला है। आपको बताना चाहेंगे कि 10 मार्च से 20 मार्च यानी किन 11 दिनों के अंदर दर 16 का शुभ योग कारण जी ओ सौभाग्य योग राज योग द्वारा धन योग बन रहा है, जिसमें कि 5 शुभ समाचार और बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है। इसलिए सारे काम छोड़कर वीडियो को अभी देखी और पूरा देगा नहीं, बिल्कुल भी वीडियो को आप नजरअंदाज न, क्या जादू तो बता दे। भगवान सूर्य देव के आशीर्वाद से 10 मार्च से 31 मार्च यानी ने 11 दिनों का जो समय है आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली समय साबित होने वाला है, बहुत ही अच्छा समय साबित होने वाला है। रोना धोना बंद करें। अब आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली में स्वयं भगवान सूर्य देव आपकी राशि वालों पर बहुत अधिक मेहरबान हो चुके हैं, यूं कहिए। क्योंकि इन 11 दिनों के अंदर सूर्य के अशुभ योग कार्य सिद्ध योग सौभाग्यवान योग राज्यों पर एक धन योग जैसे 5 शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें कि 5 शुभ समाचार, 5 बड़ी खुशखबरी और बड़ा सरप्राइज आपको मिलकर रहेगा, जिससे आपका मन बदल जाएगा। आपको बता दे, इन 11 दिनों के अंदर आपको भगवान सूर्य देव के आशीर्वाद से अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ, बड़ी बड़ी सफलताएं, कामयाबी या यूं कहें कि सफलता के झंडे गाड़ने वाले बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाले वाली। तो दोस्तों, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आहे इस प्रकार इन 11 दिनों का समय रहेगा भगवान सूर्य देव की कृपा से। वीडियो में वही जाने का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपकी जानकारी के लिए बता दे, आज केवल नसीब वाला ही इस वीडियो को देख पाएगा। बहुत सौभाग्यशाली होगा जो आज के वीडियो को पूरा देखकर यह समय से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको बड़ी खुशखबरी के बारे में बताएंगे लेंगे दोस्तों। साथ ही साथ कुछ जरूरी सावधानियों के बारे में बताएंगे, कुछ महत्वपूर्ण जरूरी बातों के बारे में बताएंगे जो कि आपको इन 11 दिनों के अंदर ध्यान में रखनी होंगी, तभी आपको इन 11 दिनों का लाभ मिलेगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह तो वीडियो मूवी देखें, कुछ जरूरी बातें भी इस वीडियो में बताएंगे खुश के साथ। तो दोस्तों, वीडियो का शुरू करें। सबसे बड़ा तापों से रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान सूर्य देव के सच्चे भक्त भगवान सूर्य देव का नाम लेकर वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव अवश्य लिखें, जिससे भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके, आपके घर परिवार को पर भगवान शनिदेव की सदैव कृपा बरसेगी। जरिए दोस्त उस समय न गवाते हुए बात करते हैं किस प्रकार रहेगा सूर्य देव की असीम कृपा से। भगवान सूर्य देव के आशीर्वाद से 10 मार्च से 20 मार्च यानी कि मार्च माह के इन 11 दिनों का यह महत्वपूर्ण समय चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यह समय में आपके लिए अत्यंत लाभप्रद समय साबित होने वाला है। आपके ग्रहों में इन दिनों जो परिवर्तन होगा आपके लिए लाभ की स्थिति बना रहे हैं, जिन्हें परिवर्तन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहने वाली है। इस समय में आपको बताना चाहेंगे इस संबंधी, बल्कि इन समय में आप निवेश संबंधी जो भी योजनाएं बना रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित रखें, कहीं भी निवेश करना चाहते हैं, अत्यंत लाभप्रद समय है, लाभ मिलेगा। इस समय का सदुपयोग करें, बहुत ही अच्छा समय रहने वाले आपके लिए। साथ ही साथ किसी संतान की भी कम होने से घर में खुशी का वातावरण रहेगा। इस समय में संतान की तरफ से आपको पोष सुख मिल सकता है, उनके कैरियर संबंधी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। यह में नौकरी करते तो नौकरी संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, पढ़ाई से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है आपको, संतान पक्ष से खुशखबरी आपको इस समय मिलेगी।
और आपको यह भी बता दें कि इस समय घर परिवार में विवाह या फिर सरकारी संबंधी मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बनेगी इस सप्ताह, और यह वह समय होगा जब आप अपना नया वाहन या फिर मकान खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसमें भी आपको लाभ हो सकता है, यह भी छाप की पूर्ण हो सकती है, और जो पिछले कुछ समय से रुके हुए कार्य थे वे भी आपके पूर्ण होने वाले ही समय में। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दे कि इस समय में आपकी तरक्की देख आपको सफलताओं की तरफ जाता देख ले, जो आपके दुश्मन हैं, वे भी आपसे चले गए, लेकिन उन दुश्मनों का कोई भी दुष्प्रभाव आपको ऊपर नहीं पड़ने वाला, बेझिझक आगे बढ़े रही। और साथ ही साथ इस समय में मैं आप जितना संभव हो सके गरीब और जरूरतमंद लोगों की भी मदद करें, जितना आपसे बने कुछ न कुछ तो जरूर करें, अन्न धन वस्त्र कुछ भी बने जो भी बनी और आपको बताना चाहेंगे, यह वह समय होगा। इस समय आप सब काम योजनाबद्ध तरीके से करेंगे और आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। किसी सहारे नियम कार्य की वजह से समाज में आपका मान सम्मान मिलेगा। कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे मान सम्मान में आपकी बहुत प्रशंसा होगी। युवा वर्ग बहुत समय से अपने कैरियर को लेकर संघर्षरत थे, उन्हें भी कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। नौकरी से संबंधित के पढ़ाई से सिंह मलिक, और साथ साथ जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी रोजगार प्राप्ति के कुछ अवसरों को प्राप्त हो सकती है। जो भी अवसर मिले हाथ से नहीं जाने देना है, दृढ़ निश्चय से आपको आगे बढ़ना है, सफलता अवश्य मिलेगी। और आपको बताना चाहेंगे कि इस समय में आप अपने कार्य को, जो भी कार्य करें, सीक्रेट अपने तक ही सीमित रखें, गुप्त तरीके से ही कोई भी कार्य करें, किसी के सामने जाहिर ना करें कि आप लिए करना चाहते हुए करना चाहते हैं, अन्यथा आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। देगा समय तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप तरीके से शुरू करें। इससे मतलब कि किसी को नहीं बताना कि आप यह करने वाले हैं, वे नेतों में सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं और को इसका फायदा उठा सकता है। बहुत ही अच्छा समय रहेगा। वैसे तो जो भी कार्य करेंगे सफलता आपको मिलेगी, किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप ही आगे बढ़ी, सफलता आपके कदम चूमेगी। समय में सफलता के झंडे गाड़ने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दे कि हमने पहले भी आपको आगाह किया है कि कोई भी काम करें या गया बहुत मन में इतनी सरलता का भाव रखें, प्रशंसा का भाव रखें, क्रोधित न हो आप, अन्यथा यदि आपके विनाश का कारण बन जाएगा। क्रोधित नहीं होना है, वाणी में मधुरता बनाकर रखनी है। सफलता आपको जरूर मिलेगी, मिली नहीं तो यह आपका गलत व्यवहार आपके बने बनाए काम को बिगाड़ देता है, यही आपकी कमजोरी है। इस बात पर आपको जरूर ध्यान केंद्रित रखें कि गलत वाणी नहीं बोल दिया। और आपको साथ ही साथ यह भी बताना चाहेंगे कि यदि आप किसी को पैसा देते हैं इस समय करें, तो पैसे का लेन देन करते समय सावधानी बरतनी जरूरी है। क्या कि यह निश्चित कर ले कि यह पैसा आपको मिलने वाला होगा। वैसे तो कोशिश करें कि आप किसी को पैसा उधार ना ही दे तो अच्छा रहेगा। कोई ऐसी मजबूरी पर जाए कि देना पड़े वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करें कि नहीं दे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। बहुत सोच समझ कर करें। और सबसे बड़ी बात आपको यह बता दे, घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा संबंधी कोई भी आप अवहेलना न करें, उनकी सेवा के प्रति, बड़े बुजुर्गों की सेवा का भाव मन में जरूर रखें, उनकी अवहेलना न करें। अपने जिद्दी स्वभाव को लचीला बनाए गए लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे प्रेम संबंधी बातों को, तो दोस्तों विवाहितों के लिए इस समय मनु अनुकूल रिश्ता आने की भी संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी, बहुत अच्छा समय रहेगा आएगा।
यदि पति पत्नी के बीच कोई नोक झोंक चल रही है तो वह अथक प्रयास से ही दूर हो जाएगी। प्रेम संबंधों में मधुरता लौटेंगे और आपको यह भी बताना चाहेंगे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना जीवन साथी के साथ कुछ तक उत्पन्न कर सकता है। माहौल खुशनुमा बनाने के लिए उच्च मनोरंजन वे उपहार देने संबंधी कार्यक्रम बनाएं। इससे प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और दाम्पत्य जीवन में आपके मधुरता बनी रहेगी और घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और साथ ही साथ आपके कैरियर संबंधी व्यापार बढ़ाने संबंधी चर्चा पर बात करें। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी पर करते समय उनको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी कि कोई आपके सहयोगी आपको क्षति भी पहुंचा सकते हैं। इस समय आपका कोई सीक्रेट से लीक कर इधर उधर कर सकते हैं, जिससे कि आपको नीचा देखना पड़े अपमानित होना पड़े, तो सावधान आपको रहना है। बशर्ते आप नौकरी पेशा व्यक्ति, अपने काम में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके काम पर ध्यान दे आ गया, किसी के बहकावे में नहीं आना। या और आपको बताना चाहेंगे, नौकरी संबंधित कार्यों में भी सताएगी समय में तरक्की के योग आपके लिए बनेंगे। समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, यदि वे चाहते स्थान परिवर्तन हो जहां वे चाहते, तो उसमें भी कामयाबी मिल सकती है, बशर्ते आप कुछ प्रयासरत रहता है। और यदि आपका कोई व्यापार बिजली से तो दोस्तों में आपको अपार सफलता मिलने वाली है। कोई बड़ा ऑर्डर आपको इस समय मिल सकता है। मन मुताबिक आपके परिणाम आपके सामने आने वाले समय में अत्यंत लाभकारी समय रहेगा लोगों के लिए। और साथ ही साथ यह भी बताना चाहेंगे कि जो आपके कार्यस्थल पर सहकर्मियों कर्मचारी हैं, उस पर भरोसा न कर सभी गतिविधियों पर पैनी नजर आपको रखनी है और निर्णय भी आपको सैनी लेने नहीं, किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन में सलाह आपके लिए इस समय उपयोगी साबित होगी। वाहन तथा शेयर से संबंधित कार्यों में भी आपको इस समय सफलता मिलने वाली है। बहुत अच्छा समय है। कार्यक्षेत्र में अपनी वर्तमान गतिविधियों पर आपको ध्यान केंद्रित रखना है। घर परिवार की बातों को छोड़कर कर आपको अपने कार्यस्थल पर ही कार्यक्षेत्र में ध्यान केंद्रित करना है, तभी आपको आपके कार्य में सफलता मिल सकती है। अन्यथा आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। जहां ध्यान केंद्रित रखना है वहीं आपको ध्यान केंद्रित रखना, नाना प्रकार की बातों को दिमाग में नाला, या फिर आप अन्यथा जो काम कर रहे हैं वे भी नहीं बनेगा। जो काम करे उसी पर ही ध्यान केंद्रित करके करे और गलत संगति का साथ छोड़ दे। जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियो में भी बताए हैं, यदि आप गलत संगति है उसका साथ छोड़ा आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब भी आप अपने भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं। गलत खानपान का सेवन करने से आपको बचना है। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चाओं पर बात करें तो दोस्तों, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु बदलते मौसम की वजह से कोई आपको एलर्जी जैसी दिक्कत महसूस हो सकती है, इसलिए आप अपने खानपान के प्रति ध्यान रखें कि तनाव मुक्त रहें। नियंत्रण योग प्राणायाम का सहारा ले, आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें, आपको लाभ लाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुंभ राशि के लोग बुद्धि से तेज, समझदार और आत्मविश्वासी स्वभाव के होते हैं। ये किसी भी काम को पूरी मेहनत और लगन से करने में विश्वास रखते हैं। ये लोग अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से हर एक क्षेत्र में दूसरों से आगे होते हैं। ये लोग लीडर प्रवृत्ति के होते हैं और भीड़ में सबसे आगे रहते हैं। कई बार ये भीतर से कुछ अलग और बाहर से अलग नजर आते हैं। ये लोग भीतर से कई कष्ट भी सहते हैं, लेकिन बाहर इनकी आह तक नहीं निकलती है। मित्रों, जब तक हालातों पर काबू नहीं पाएंगे, कुछ न कुछ दिक्कतें बनी ही रहेगी। किसी के साथ नई परियोजना या भागीदारी वाले व्यवसायों को करने से बचे अच्छे प्रो, क्योंकि इस वक्त आपको एक अच्छा साथ ही नहीं मिल रहा है और हर किसी पर यदि आप आंख बंद करके भरोसा करने लगे तो दिक्कतें बढ़ा सकती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि इस वक्त भागीदारी व्यवसाय को छोड़ दिया
वहीं मित्रों आप उन कामों को करना पसंद करेंगे जिन्हें आप बचपन के दिनों में करना पसंद करते थे, क्योंकि इससे आपको पुरानी यादें भी ताज़ा होगा और सुकून भी मिलेगा और बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचते भी हैं। इसलिए दोस्तों आप फिजूल की बातों में अभी अपना वक्त बर्बाद न करें, समय को नष्ट न करें, और अगर करते हैं तो इसे बंद कर दे ईश्वर में और अपने आप में पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि जहां विश्वास होता है, जहां आस्था होती है, वहां ही चमत्कार होता रहता है। याद रखें विद्रोह। दोस्तों जानते हैं कि आपके जीवन की सबसे ज्यादा परेशानी न वाले कौन लोग होते हैं? तो ऐसे लोग होते हैं जो आपको समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाते हैं, जो अपने आप को बदलना नहीं जानते हैं। ईश्वर इस समय की मार से जो है वह बुरी तरीके से पीड़ित रहते हैं। यही समय का खेल है, यही ईश्वर का खेल है, लेकिन आपको अपने अंदर एक बहुत बड़ा अच्छा और इंसान छुपा है। आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी, आपकी राशि के जातक समय के अनुसार अपने आप को बदलना अच्छी तरह से जानते हैं और अनुभव के आधार पर आगे बढ़ा भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि यदि आपके प्रेम जीवन काफी खराब चल रहा है, यानी परेशानियां चल रही हैं, या वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं, या फिर अब तक आपको सच्चा प्रेम नहीं मिल पाया है, तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों सबसे पहले तो हम प्रेम के विषय में और किसी वीडियो में हम बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को काफी लंबी हो चुकी है और अगर आपका कोई सवाल है जहाँ से कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिए। और तो आपको यह सारी जानकारी अच्छी लगी तो आप प्यारा सा लाइव वीडियो में जरूर कर दीजिएगा। और अपने प्रेम जीवन में सुधार पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक आप अगर इतना लाइक कर दोगे तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने प्रेम जीवन में सुधार कर सकते हैं और जो दुश्मन है, जो आपके अपने ही दुश्मन है, उसके नाम को आप कैसे जाने, इसके बारे में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ दुर्गा अवश्य लिखे। माता दुर्गा एक बार जानिए, माता दुर्गा जिनके भी साथ होती है उनका कोई भी बाण बाका नहीं कर सकता है। इसलिए आप जरूर माता दुर्गा का नाम कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिखे गए हैं। माँ दुर्गे अवसर प्राप्त होता है और बुद्धिमानी से लिए गए फैसले धीरे धीरे हमें सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते हैं। इसलिए दोस्तों आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप जो भी व्यापार करें, जो भी काम करें, उसमें थोड़ा समय दे और सब्र के साथ काम करते रहे। और दोस्तों एक और कमी है आपकी राशि में, और यह है कि आपकी राशि के जातक जब में शाह की सफलता प्राप्त नहीं करते हैं तो बीच में ही उस काम को छोड़ देते हैं, बीच में ही बहुत सारे काम छोड़ देते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। यदि आपको किसी कार्य को करने में शुरुआत में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है या फिर छोटी मोटी सफलताएं ही प्राप्त हो रही है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो जाएं। आज की छोटी सफलताएं कल की बड़ी सफलता वानिकी की और आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगी। तो आपको सब्र से काम करना है, सब्र की नज़र से देखने हैं और फिर उनके जीवन में आपको एक नई शुरुआत देखने को मिलेगी। और दोस्तों और आप लोगों में यह है कि अब एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो राशि के जातक है वह सबसे बड़ी बात यह है कि उचित बैठी है, वह यह है कि आपके चाहे दुनिया में कोई साथ दे या ना दे, लेकिन आपको ईश्वर हमेशा बचा कर रखते हैं। किसी भी बड़ी दुर्घटना से, किसी भी बड़ी विपत्ति से आपको कोई बड़ा आसान नहीं होता है। आपको थोड़ी बहुत छोटी या बड़ी परेशानियां, छोटी मोटी प्रसारण आ जाती है, लेकिन आपका हाथ ईश्वर हमेशा पकड़ कर रखते हैं और आपको सही मार्ग पर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। या नहीं, भगवान हमेशा आपका साथ देते हैं। दोस्तों आपकी राशि के जातकों में हिम्मत बहुत देखने को मिलती है,
जी हाँ दोस्तों, बार बार चोट खाने के बाद भी और हर बार नुकसान और घाटा उठाने के बाद भी, रिश्ते नाते में भी धोखा खाने के बाद भी, इस राशि के जातक आसानी से हार नहीं मानते। इस राशि के जातक लड़कर और अपने जीत को हासिल करते हैं और सही मार्ग पर ले जाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। भगवान हमेशा आपका साथ देते हैं और दोस्तों, आपकी राशि के जातक में हिम्मत भी बहुत ज्यादा होता है और आप जज्बा जो है वह कम नहीं होता है। इस राशि के जातक आसानी से हार नहीं मानते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। इनका जज्बा भी यही हिम्मत इनको एक दिन बुद्धिमान और सक्षम बना देती है, फिर यह बाद में मुड़कर कभी पीछे नहीं देते हैं। और इनकी सफलताएं क्या कहूं मैं, इनकी सफलताएं भी बहुत ऊंची होती है। इनका स्वभाव और बुद्धिमानी भी बहुत ऊंचे स्तर की हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।